राम राम। सब हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 के सॉन्ग मेहमान की मैजिकल जर्नी पे। तो सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पूरे सीज़न में जो सिलसिला माइंड का चल रहा था ना, वो फ्लिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुछ बदल रहा था मेहमान पे काम करते हुए। इट सॉर्ट ऑफ वेंट इनटू दैट रियल्म ऑफ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स इज फीलिंग, नेचर इज फीलिंग। I found this video and actually that's how my season 15 journey started. One day when universe presented me him, then I understood that there is a lot more to tell about Pakistan to the world. And then all of a sudden we get a message from Coke Studio, Zulfi Bhai, and we were shocked. Mujhe ye banda chahiye at all costs. And he gave us like 2 days. अभी असल में बारिश बहुत हो रही है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बंदे चाहिए ताकि हम बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी हमारी मदद करें इस पूरे जर्नी में। तोरवाली इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी जो कि सवात के नॉर्दर्न एरियाज में है। ओके, तो ये पाकिस्तान का वो बाउंड्री है जिससे एक दूसरा पाकिस्तान स्टार्ट होता है, अ कोल्डर पाकिस्तान। ओनली 150,000 पीपल in the entire world speak this language. Abi nimchi bi bhai bi jusha se bano bhai ghen lanja thi tirpan thi chain tak These are very pure people, very innocent, despite all of these extreme conditions that they're living in. ये लड़का जो है जो गा रहा है, इसको हम रो कहते हैं अपनी जबान में। यहाँ हमारे शादी ब्याहों में भी ये गाने गाते हैं और गाते थे पहले भी। ये खुशी का इजहार था, महफल सजाते थे इन गानों से। 16 years old boy, he has never ever traveled anywhere from apart from the meadow. Tillo bhai, तो हम भागे भागे, हमने उन पहाड़ों पे चढ़े, हमने कहा भाई ये बच्चा हमें चाहिए, हम इसको लाहौर लेके जा रहे हैं। एंड ही थॉट इन हिज माइंड कि यार ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं और कोई लेबर काम मेरे से करा रहे हैं, एज इन हिज फैमिली एवरीवन डज। फर्स्ट टाइम इन लाहौर एंड देन फजे पाए। तो निजामुद्दीन को हम हर हर जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हम लिफ्ट में गए। लिफ्ट में जैसे ही चढ़े ऊपर गए तो निजामुद्दीन हमें साइड पे गया कि यार मुझे समझ इस बात की नहीं, यार ये कमरा है
इसमें हम जब अंदर जाते हैं तो अलग माहौल होता है, जब बाहर निकलते हैं अलग माहौल होता है। I heard him. Yes. Yeah. Ye gaya mathu ye sarane le gira shiva vai kisi ek kadi mor hua bachi pata मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को इस तरह गाते हुए, the way he sings, ऐसा लगता है कि कोई इफेक्ट लगा हुआ है वोकल्स पे। ना मैंने इसकी आवाज सुनी है कभी, इसकी प्योरिटी की वजह जैसी आवाज है ना, ही इज एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, वी ऑल वांट टू बी हिम, आई वांट टू बी हिम। बचपन से ही पूरे पाकिस्तान में घूमी फिरी हूँ, बिकॉज मेरे वालिद साहब जो थे उनकी नौकरी ऐसी थी कि हम लोग हर दो साल बाद वी शिफ्ट समवेयर। आई लिव्ड एवरीवेयर इन पाकिस्तान, फिर उन जबानों के साथ भी मेरा एक अफिनिटी रही है। पहले भी काम किए हैं और सबसे ज्यादा उस म्यूजिक के साथ मेरी अफिनिटी रही है। I wake up in the morning and I wake up to Nizam's voice in my phone. I know the voice because this voice is very much like the voices that I've heard in my childhood. Expanding my world is important to me is because that gives rise to imagination. So being inspired and spinning stories and fantastical worlds that may or may not have existed is an important part of my work. So isn't it just so wonderful to be strange? To be in a strange world where everything is new and everything is weird, and you know, so that's where the concept came from. Nizam himself and his world is what we took inspiration from. I always say that folk songs are the fittest songs because they survive. Unke irgird kuch banana mushkil hota hai, you know, daunting hota hai. आपने कुछ चीजें की हैं एंड पे, आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट असेंट, द लास्ट असेंट, द हमिंग्स, द हमिंग्स बहुत अच्छा। दिस इज द स्टोरी, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू, एंड सो वी वर्कड ऑन इट टुगेदर एंड इट वाज रियली लवली। आई लाइक द स्टोरी वी टोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिकली इट्स जस्ट, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग थिंग्स टू मेक। आई गॉट टू सॉर्ट ऑफ रीच इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय musicianship that I never get to normally use. And then we got to sort of the end of the second chorus and I was like, I'm just gonna try something, and I changed the tempo and I brought in this completely new beat and I was like, can we? And he was like, yeah. I was like, okay, great. When that kind of came together for me, I instantly was like, okay, this is it. Just from the get-go, I was like, this is my favorite song of the season. मुझे ओवरऑल वो वीडियो देख के ना, मुझे मेरा होता नहीं कि बिल्कुल दिल कनेक्ट हो गया उस विजुअल से, नूरमा से। मैं जहाँ रहती हूँ बहुत अच्छी जगह है, पहाड़, बर्फ, लेक्स एवरीवेयर, पीसफुल जगह है। जब बच्चे कार्टून देख रहे होते थे, जब ड्रामा देख रहे होते थे, मेरा ये नहीं था। मेरा था कि कोक स्टूडियो, उनके गाने, आबिदा परवीन, अली सेठी, रंजिश ही सही। मैं टॉवल सर पे रखे, यानी बाल, और फिर हाथ में कोई चीज़ लेती थी, माइक, प्रिटेंडिंग दैट इट्स अ माइक, और फिर मैं एक्टिंग कर रही होती थी।
अभी 5 साल हो रहे हैं मैं आइस हॉकी नेशनल प्लेयर खेल रही हूँ, एजीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मेरी जो सिंगिंग जो शायद है वो भी इसी क्लब के थ्रू ही मुझे शायद वो वे मिला कि हाँ आई शुड गो फॉर म्यूज़िक। मुझे ये पता चला कि मैं जीप बंगश के साथ कर रही हूँ, तब तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कब आऊँगी, कब मैं करूँगी। नूरमा हैज़ टू बी वन ऑफ द एक्टर्स इन द स्टोरी, सो वी स्टार्टेड राइटिंग फॉर हर कि वो उससे भी रिलेट करे और साथ साथ जब वो गाए तो वो एक बहुत गहरा सा मैसेज भी दे। Immediately this line like you know jumped up. मेहमान हूँ तेरा सामान नहीं, मैं आना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में, अच्छी नीयत के साथ आपके साथ इंटरेक्शन के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में we here for just a short while. In the middle of my take, he came and sat next to me and he just picked up my mic and he looked at me. Can I use this mic now? And I was like, yes. It was just so fun and it really like breaks that whole, you know, the drama of it. And so after that, I just like sang my heart out because I was like, actually, he is the essence of the song. वो बड़ी अच्छी बात है कि वो एक दिन के अंदर ही वो इतना इजी हो गया सबके साथ कि वो जोक्स भी कर रहा है, थोड़ी बहुत उसको उर्दू भी अब समझ आ रही है। समझ आता है, ये मकसद है। प्रोडक्ट हेयर केयर, ठीक है, ट्राई करते हैं तो फिर प्ले करना। ही इज नॉट कंफर्टेबल विद माइक्रोफोन्स बिकॉज़ उसने गाया नहीं माइक पे कभी। अभी सर तुम ऊपर गा रहे हो, तुम गा रहे हो वो जो समझाने का तरीका है ना, वो फिर बस हाथों पे इन्हीं चीज़ों पर आता था कि जी मैं ये करूँगा, आप ये करना, तीन का काउंट इस तरह। हाँ मैं बोलूँगा निज़ाम बस, निज़ाम बस बोलते ना बनी, ठीक है, ये तरीका ओके, बस छोड़ थोड़ा सा बिनु गया, भी बात बिनु गया। कोडिंग में पता चल रही होती है यार ये फॉर्म वैसे नहीं करा ऐसे पहले का था, ये छोटी सी बात थी कि उसने माइक हाथ में पकड़ा हुआ बस, तो ये एक छोटी सी डिटेल होती है तो जुल्फी वही पकड़ते हैं सर। बहुत खूबसूरत है यार, या इट्स गॉर्जियस। I wasn't expecting it to be this beautiful and I literally felt like I'd walked into like some magical space. You know, for me I was relating to so many different aspects of it. It's ruins that are adorned by nature. It actually makes everything beautiful. So wo khandar bhi khoobsurat tareen lag rahe the, you know. शुरू में हाँ नहीं है, देख सकते हैं एक बार टेक देखते हैं आप। हाँ चलो, प्यार कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही यूनिवर्सल है। दो वर्ल्ड में इसको कर दिया कि एक में हम लोग बात कर रहे हैं एंड देन हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, फिर एक उनका वर्ल्ड है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, जिसके बाद एक आइडिया आया मैजिक गार्डन का, एक फैंटसी, एक ऐसा वर्ल्ड जो बिल्कुल अपनी एक प्योरेस्ट फॉर्म में है, इर्द गिर्द में इंसान नहीं एग्जिस्ट करते। कि यार सब कुछ सही था, हमने कहीं ना कहीं थोड़ा उसके साथ ज्यादती कर दी है। सजाद वो बंदा है जो आई थिंक इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक बंदा बैठ के एक पूरा 3D वर्ल्ड बना रहा है, तो इट्स नॉट अ सिंपल जॉब।
अब ये आइडिया ये इतना एक तरह से क्लोज टू माई हार्ट है कि मतलब जहाँ पे कह लें कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है जिस चीज़ के साथ ज़्यादा, कि अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो एक बच्चा जाके बैठा हुआ है परिंदों के साथ टाइम गुजार रहा है, ठीक है। सेट का जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर आना शुरू हुए, ये कैसी जगह है, वो एक रीबर्थ के साइकिल में। अप नॉर्थ में कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स मिले, ऐसे खंडर मिले जो सदियों पुराने थे, उन्हीं की जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, उनको लेके वी क्रिएटेड दिस स्पेस। इट हैज़ प्लांटेशंस ग्रोइंग ऑन टॉप ऑफ इट, जो एक आवाज़ से शुरू होते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंजनेस है वो ही आपकी खूबसूरती है। एक टेक करते हैं गाइस, हम ऐसी टेरिटरी को एक्सप्लोर करने जा रहे थे जो हम लोगों ने कभी फील नहीं की थी। वी जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट सो क्लोज टू नेचर कि हर तीनों आर्टिस्ट में आप देखोगे कि एक एलिमेंट ऑफ नेचर है। नूरिमा हैज सच एक एथीरियल सी उसकी फील है, शी इज रिप्रेजेंटिंग अगेन अ पार्ट ऑफ नेचर। मैंने ऐसी चीज़ें रियली मैंने पहले कभी नहीं देखी, सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जो है इधर आ जाऊंगी। I have a great canvas. I'm enjoying doing little here, little there. Saima ji, I mean the way she really translated that look was lovely, and I think a lot of it had to do with the hair. You know, she really got lots of those, like that hair in the extensions, and the way she brought it out, it was really beautiful. हमें पेप्सी बंद में थे, गाना बोलूँ हम मिलफ थे, आई मैं गाना पूरा की आए खुशहाल हुई, लेकिन मामू यकीन भी नहीं हूँ धीरे है, मैं लाहौर के नहीं हूँ दफा से देना जहाज में कराची आने यकीन बिल्कुल निजेद में। बहुत प्यार से और बहुत आसानी से चीज़ें इस गाने में हुई हैं, तो मुझे इसलिए भी गाना बहुत पसंद है। It seems to have some like nice barkat in it. तो पिछले दिन खत्म हुआ था, हमारा था कि यार हम यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। ये खुशी है कि हाँ अब ये एक और स्टेप आगे है। इट वॉज सच अ बिग शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कोक स्टूडियो, 13 साल से कैसा था सीजन 14 में, वी ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ओरिजिनल्स। उसके बाद एक जर्नी बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गई, and going into you know those world building visuals, because it is not just about sonic experience, it's a visual sonic experience. एक बात हमें जुल्फी ने बताई थी कि कुछ भी झूठ होगा ना वो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑडियंस ऐसे पकड़ती है झूठ। टू स्टे ट्रू टू योर प्रोसेस एंड शोइंग द प्रोसेस इज योर की। जो हमें मैजिक पर्सनली एज अ टीम फील हुआ, वी जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे द प्रोसेस, यू बिहाइंड द कैमरा, अस बिहाइंड द सेट्स, people on set, we all make up a huge team. I think it's more than actually 200 people, I would say. 4 mahine ikatthe guzare hain humne shoot pe, takriban 1.5 saal humne is project pe lagaya, but wo sirf isliye possible hona tha agar hum dosti mein nikal lete time sara. Ki wo choti choti khwahishein gungunati hain, sajati hain ye duniya. Aur actually baat bhi sahi hai कि आपकी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें, कुछ आइडियाज़ ही होते हैं जो कि शाइन करके, फ्लरिश करके, कभी ना कभी वो बहुत खूबसूरत बड़ी दुनियाएं बना देते हैं और आपकी दुनिया सजा देते हैं। जब बिल्कुल हम ख़त्म कर रहे थे ना ये सीज़न, बट ये सोच रहे थे कि अगर ये जर्नी हमारी ही, हमने ब्लॉक बस्टर भी बनाया, सेलिब्रेट किया, हमने मगरोला भी किया, हमने 2 AM सारी कैफियत में भी चले गए, हमने सारी वो बात भी कर ली, इनवर्ट जाके रियलाइजेशंस की बात भी करी जो हमारे अंदर है, अपनी एंग्जाइटीज की बात भी कर ली,
कोई और जगह है जिससे भी हम डीप जा सकते हैं, और उस डीप नजर से क्या हम दुनिया को व्यू कर सकते हैं? तो आप अपने ईगो को ब्रेक कर देते हैं. And once you break your ego, you realize कि चाहतों के भी तो रास्ते कई हैं. दिल की नजर में सभी हम ही हैं. तुम भी हम ही हो, हम भी तुम ही. We are all one. हम सब एक हैं. सो गाइज, ये था पूरा वीडियो. और सीरियसली मतलब हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 एक बहुत स्पेशल सीजन है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमने थ्रू आउट पूरा सीजन ये फॉलो किया है. हर एक गाने के ऊपर हम रिएक्शन लेके आए हैं, और सीरियसली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने हैं इसके अंदर. और आपको जैसा जुल्फी भाई ने बोला कि इस पूरे सीजन में हर इमोशन के ऊपर हमें गाना लेके आया है, और लिटरली ऐसा ही था. अगर हम इस मेहमान गाने की बात करें तो हर बार मैं एक बात बोलता हूँ जुल्फी भाई के बारे में, वो ऐसे टैलेंट को ढूंढ के लाते हैं सीरियसली. अब ये जो टैलेंट है वो लेके आए इस गाने में, तो वो मतलब कहाँ पहाड़ों से उसको लेके आए हैं, जहाँ मतलब इस लैंग्वेज में बोलने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, वहां से उसको लेके आए, फिर ये पूरा गाना किए इन्होंने. और जो पूरी जर्नी रही है सीजन 15 की आउटस्टैंडिंग, और जब वीडियो के एंड में वो पूरी जर्नी मेरे जो वीडियो में हमें देखने को मिला, तो वो पूरी जर्नी मेरे दिमाग में घूम रही थी कि हाँ हमने ये वाला भी गाना सुना है, ये वाला भी गाना सुना है, उसकी मैजिकल जर्नी भी हमने देखी है. तो ओवरऑल ये वीडियो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. अब देखते हैं कि सीजन 16 कब आता है, क्योंकि सीजन 15 ने तो झंडे गाड़ दिए. सच में इतना ज्यादा कमाल, और जो इनका एक वो मैसेज के थ्रू इन्होंने सीजन 15 की शुरुआत करी कि हाँ हम सब एक है, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, और ये सच में ये सच बात भी है, और ये बात कन्वे करने में ये लोग 100% कामयाब भी हुए हैं. और जिस तरह से जितने गाने आए हैं सारे गाने बैक टू बैक इतने ज्यादा कमाल, कहीं हमें सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा था, कहीं हमें बहुत कुछ ऐसे डीप लिरिक्स के साथ हमें बहुत सारी बातें समझने को सीखने को मिल रही थी. सारे कल्चर को इतने अच्छे से, जितने भी कल्चर को दिखाया सबको बहुत अच्छे से दिखाया, और सारे गाने लिटरली वायरल हुए. और अभी तो एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जो अभी रील्स पे बहुत ज्यादा इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा चल रहा है, उस गाने का नाम है मर जान, तो वो गाना लिटरली इतना ज्यादा चल रहा है अभी इंडिया में, हर दूसरी रील में हमें वो गाना सुनने को मिला, उसके ऊपर रील्स बड़े बड़े स्टार बना रहे. तो लिटरली हैट्स ऑफ, ये सीजन 15 हमें बहुत अच्छा लगा. सीजन 16 का मुझे वेट रहेगा. बाकी इस वीडियो की बात करें तो हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इतनी ज्यादा कमाल की जर्नी रही है, और जो इनकी पूरी टीम है उन सबको सीरियसली हैट्स ऑफ है, इतना अच्छा काम किया. और अब हमें सच में वेट रहेगा कि सीजन 16 कब आएगा और उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट लेवल होने वाला है सीजन 15 से भी. सो गाइस, आपको ये पूरा सीजन कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना. और आपको पूरे सीजन में मतलब सीजन 15 में कौन सा ऐसा गाना है तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना. सो गाइस, अभी करते हैं इस वीडियो का एंड. आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे भी रखना. सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.